आपका 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 ये जीवन, आपका ये समय, और धन्यवाद करता हूं प्रभु का, क्योंकि मैं जानता हूं ये जो सत्संग है ये उस महामहिम का किया हुआ शक्तिपात है। ये जो शब्द आज आप यहां सुन रहे हैं, मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूं कालांतर में जाकर कभी ना कभी कोई ना कोई विचार अवश्य आपके भीतर फलीभूत होगा। क्यों? क्योंकि व्यासपीठ का उद्देश्य पवित्र है। मेरा संकल्प शुभ होगा तो आपके भीतर कोई ना कोई परिवर्तन कभी ना कभी अवश्य में आएगा। तो बात मैं ये कह रहा था कि जीवन में जो सर्वाधिक प्रभावित करता है आपको, आपका संग प्रभावित करता है। किसका संग करते हैं आप? और जब संग की बात आए तो केवल व्यक्ति का संग नहीं, वस्तु का संग भी। पुराण में एक बड़ी सुंदर कथा आती है। एक ऋषि अपने आश्रम में तप कर रहे थे। तप बढ़ा, उनका पुण्य बढ़ा, उनका तेज बढ़ा, उनका यश बढ़ा। अब इंद्र को चिंता हो गई, उसे हो ही जाती है, उसके पास बहुत सुख साधन है। इसलिए जिसके पास बहुत संग्रह होगा वो भयभीत रहेगा। जिसके पास बहुत संग्रह होगा ना, उसी के घर आपको चार छह कुत्ते मिलेंगे, दो चार बंदूक वाले मिलेंगे, क्योंकि संग्रह आपको भयभीत करता है। संग्रह नहीं तो आप भी गाइए कबीर की तरह, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, अब क्यों बोल। कबीर कहता है क्योंकि जो सबसे अमूल्य संपत्ति कबीर कह रहे वो तो मैंने अपने हृदय में छिपा कर रखी है, और वो है भी कैसी, खर्चे ना खूटे वाको चोर ना लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो। जो अमूल्य वस्तु गुरु ने दी है उसे कोई चुरा नहीं सकता, खर्चने से कम नहीं होती, इसलिए भयभीत होने का कोई कोई अवसर नहीं, कोई कारण नहीं। तो बहुत संपदा, बहुत संग्रह आपको भीतर से दुर्बल बना देता है। बहुत संग्रह होगा तो आप भीतर से दुर्बल हो जाएंगे, चिंता होगी आपको। एक दिन 5 करोड़ रुपए अलमारी में रखकर सोना, देखो कैसी बढ़िया नींद आती, आती भी है कि नहीं आती, करके देखो। मैंने देखा है सब आप, कि कुछ लोग तिजोरी को सुबह दुकान में जाएंगे, तिजोरी को माला पहनाएंगे, टीका लगाएंगे, उसके आरती उतारते हैं। एक से तो मैंने पूछा, मैंने कहा सेठ जी बड़ा प्यार करते हो इससे? बोले हाँ महाराज। तो मैंने कहा कि सेठ जी इश्क एक तरफा हो तो सजा देता है, दो तरफा हो तो मजा देता है। तुम इससे इतना प्यार करते हो, इससे पूछो ये भी तुमसे करती है? कोई उत्तर था नहीं। और मैंने कहा कि इसका उत्तर आपको कभी नहीं मिलेगा। खैर, अपने पास तो न तिजोरी न ताला न चाबी, तो अपन तो क्यों चर्चा करें। पर क्या कह रहा था मैं, इंद्र को चिंता होने लगी। अब की बार मैं सच में भूल गया था, धन्यवाद आपका। इंद्र को चिंता होने लगी, और अकारण चिंता, ऋषि तप कर रहे हैं, इंद्र को चिंता हो रही है। तो इंद्र ने कहा कैसे इनका तप भंग किया जाए। अब इंद्र ने देवताओं से कहा, तो देवताओं ने कहा हम तो जाएंगे नहीं, क्योंकि ऋषि का तेज इतना था कि देवताओं ने कहा हम नहीं जाएंगे। और वैसे भी किसी के शुभ संकल्प में बाधा बनने वाले का परिणाम कुछ अच्छा होता नहीं। पर इंद्र कहां चैन से बैठने वाले थे, अपने आसन के लिए तो इंद्र भगवान से बैर मोल ले ले। इसी संपदा के साथ आया दुर्गुण है कि जीव विवेक खो बैठता है। आप देखिए, जिन भगवान के गर्भ में स्तुति करने के लिए गए इंद्र, उन्हीं श्री कृष्ण के प्रति अपराध कर बैठे, उन्हीं श्री कृष्ण के प्रति। सांवर्तक मेघों से कहा ब्रज का एक तिनका न बचे। खैर, ये तो मेरे सूरदास बाबा कहते हैं कि जहां को मनमोहन अंग करे वहां को केस खसे नहीं सिरते, जो जग बैर परे। रसखान कहते हैं कहा करे रसखान को कोई दुष्ट लवार, और पत राखन वालो आप हो जब माखन चाखन हार। कौन मिटाए उसे जिसको राखे पिया, कौन
मिटाए उसे, जिसको राखे पिया। जैसे एक नेशनल एंथम है ना अपने यहां, ऐसे इन माय कथा दिस इज माय डिवोशनल एंथम। एंड व्हेन समवन टू सिंग नेशनल एंथम देन देयर इज अ कोड ऑफ कंडक्ट, एक आचार संहिता, आपको सीधे हो जाना है। एंड दिस इज माय डिवोशनल एंथम, और इसको गाने का भी एक आचार संहिता है। ऐसे बैठकर नहीं गा सकते आप, दिस इज माय डिवोशनल एंथम, इसीलिए ऐसे बैठकर नहीं गा सकते। कौन मिटाए उसे जिसको राखे पिया, कौन मिटाए उसे जिसको राखे पिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। के नंदलाला राधा जो के सांवरिया, ब्रज के नंदलाला राधा जो के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। चैन नहीं आया, स्वयं गए इंद्र, और इंद्र ने इस बार युक्ति से काम लिया। इंद्र ने वहां के राजा का वेश धारण किया, ऋषि तपस्यारत थे। इंद्र ने स्वांग रचा कि वो शिकार खेलते खेलते, आखेट करते करते मार्ग भूल गए हैं, ऋषि के आश्रम में आ पहुंचे हैं। ऋषि अपने तप में लगे थे, राजा को आया देखा, ऋषि ने सत्कार किया। थोड़ा जल मिलेगा, राजा ने कहा। ऋषि ने जो कंदमूल आदि थे, ऋषि ने निवेदन कर दिए। राजा ने कहा, महाराज आपके आश्रम का वातावरण बड़ा सात्विक, बड़ा सुंदर है, मैं कुछ काल यहां रहना चाहता हूं। ऋषि ने कहा, आप नरेश है, आपका अधिकार है, आप रह सकते हैं। राजा के हाथ में खड़ग था। राजा ने कहा, मैं आपके आश्रम के सात्विक वातावरण में रहना चाहता हूं, अर्थात कुछ साधन करने की मेरी इच्छा हो रही है, तो मैं चाहता हूं कि ये जो खड़ग है इसे आप किसी स्थान पर आदरपूर्वक रखवा दें। अब ऋषि का आश्रम है, कोई बहुत अधिक कुछ सुविधा का विस्तार उसमें था नहीं, तो ऋषि ने कहा कि आप ये खड़ग मेरे आसन के निकट ही पधरा दीजिए आदरपूर्वक। अब ऋषि जहां पर बैठकर तप करते हैं, अब वो ध्यान से सुनना, बड़ा गहन संदेश छिपा है इस छोटी सी घटना में। ऋषि बैठकर भजन करते हैं, साथ में वो खड़ग रखा है। वस्तु का भी अपना एक आभा मंडल होता है। ऋषि के मन में कुछ अवांछित सी भावना जन्म लेने लगी। ऋषि को समझ नहीं आ रहा कि मेरे मन में एकाएक ये परिवर्तन क्यों होने लगा है। मरकट आदि कुछ वानर तो आश्रम में पहले भी कूदा करते थे, ऋषि अपने तप में रहते थे, पर अब एकाएक ऋषि को क्रोध आने लगा, और क्रोध आपके पुण्य को क्षीण करता है, क्रोध आपके पुण्य बल को क्षीण करता है। आप क्रोध करेंगे, आपका पुण्य क्षीण होगा।
ऋषि को क्रोध आने लगा और एक दिन ऋषि ने क्रोध में आकर खड़ग उठाया और एक वानर पर प्रहार कर दिया जो साधु के लिए वर्जित है। पुण्य का बल क्षीण हुआ, इंद्र का भय दूर हुआ, न खड़ग और न राजा इंद्र अपने लोक को चले गए। इस प्रकार से युक्ति से उस ऋषि के पुण्य बल को क्षीण करके, उसकी तपस्या को भंग करके। कारण क्या रहा? उस वस्तु का संग। तो केवल व्यक्ति का संग ही जीवन में प्रभावित नहीं करता आपको, आपकी मन बुद्धि को, वस्तुओं का संग भी आपको प्रभावित करता है। आप कथा में माला लेकर बैठिए, आपका मन चित्त कुछ और होगा। पर आप क्या लेकर बैठते हैं? अपना मोबाइल फोन। और मैं तो कई बार कहता हूं, भाई जूता पहन के आ जाओ इतनी बुरी बात नहीं है, जितना बुरा है कथा में हाथ में मोबाइल फोन लेकर बैठना। मैं कोई पुराने जमाने का व्यक्ति नहीं हूं, आपके जमाने के जो लोग आपके लिए तकनीक का विस्तार कर रहे हैं वो मुझसे आकर विचार करते हैं, तो आप मेरी बात को किसी पुराने समय की बात ना समझना। मैं आपको बिल्कुल विज्ञान युक्त, मैं आपको बिल्कुल एक वैज्ञानिक कारण दे रहा हूं इसका, कि आप ईमानदारी से बताना। मैं तो उसका प्रयोग नहीं करता तो इसलिए मैं नहीं जानता, पर आप बताना कि दिन में कितनी बार बिना कारण आप अपना मोबाइल फोन उठाकर देखते हैं, बिना कारण कितनी बार? आपको नहीं लगता कि आप एकाग्रता से कितने दूर होते चले जा रहे हैं बिना कारण? मैंने देखा है लोगों को, पास में रखा है बस थोड़ी थोड़ी देर बाद। एंड आई एम नॉट टेलिंग यू अ जोक, हंसिए मत, विचार करिए इसका कि आप कभी एकाग्र हो ही नहीं पाएंगे, आप एकाग्रता से दूर जा रहे हैं। ये देखो, और आज तो भाई पहला दिन है, मैं पहली बार यहां आया हूं, पर कल से ध्यान रखना, इट इज नॉट अलाउड हियर। इसीलिए कहता हूं कि जूता पहन के आ जाओ चिंता नहीं, वो तो केवल तन मैला करता है, ये आपका मन मैला करता है, आप योग्य नहीं रह जाते कथा श्रवण के। अरे सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को लौटा दिया, आप कथा श्रवण के अधिकारी नहीं है, आप व्यापार बुद्धि लेकर आए हैं। आने की एक तैयारी है, एक भावना से बैठकर मैं जो आपको दे रहा हूं उसका मोल आपको पता हो कि ना पता हो, मुझे पता है, आपको खबर हो कि ना हो मैं आपको क्या दे रहा हूं, लेकिन मुझे खबर है मैं क्या दे रहा हूं। आपकी चेतना विथकित हो जाएगी, विचलित हो जाएगी, और आपके शब्दों में कहूं तो पता नहीं आपकी रिपेयर करेगा कौन, इतने इतने दूर हो रहे हैं आप स्वयं से। आप हाथ में माला लेकर बैठिए कल से, आप देखिए आपको कुछ और परिणाम मिलेगा। अगर कलयुग का आगमन खोजा जाए, कारण खोजा जाए, पांडवों जैसे महाधर्मात्मा, युधिष्ठिर जैसे परम प्रतापी महाधर्मात्मा राजा, स्वयं धर्म, उनके उनके बाद कलयुग कहां से आया? अगर आप कलयुग के आने का कारण खोजेंगे तो एक एक परत हटाकर देखेंगे। महाराज परीक्षित का जाना और कलयुग का आना, परीक्षित का जाना क्यों? क्योंकि ऋषि ने श्राप दिया कि 7 दिन में तक्षक तुम्हें आके डस लेगा। ऋषि ने श्राप क्यों दिया? क्योंकि परीक्षित ने अपमान किया ऋषि का, तप करते हुए ऋषि के गले में वो मरा हुआ सर्प डाला। परीक्षित जैसे वो धर्मपरायण राजा जिन्हें गर्भ में भगवान का दर्शन हुआ है, जो भगवान का दर्शन करने के लिए नहीं, भगवान का दर्शन करके इस संसार में आए हैं, उस परीक्षित की मति ऐसी क्यों हो गई? क्योंकि जरासंध का मुकुट पहना है। कलयुग के आगमन के मूल में महाराज परीक्षित का किया हुआ वो कुसंग है, और कुसंग भी किसका? व्यक्ति का कुसंग नहीं, वस्तु का कुसंग। आपके जीवन को सर्वाधिक अगर कोई प्रभावित करता है तो वो संग प्रभावित करता है। किसके संग में रहते हैं आप? मैं कई बार उदाहरण देता हूं व्यासपीठ से, लकड़ी, सूखी लकड़ी अगर किसी गृहस्थ के हाथ में पड़ जाए तो वो चूल्हे में ले जाकर जला देता है, और जलने के बाद राख हो जाती है वो, और उस राख से घर की माताएं बहनें मैला बर्तन धोती हैं, और वही लकड़ी किसी तपस्वी के हाथ में पड़ जाए, वही लकड़ी किसी साधु सन्यासी के हाथ में पड़ जाए तो वो ले जाकर उससे यज्ञ करता है, उससे हवन करता है। यज्ञ होने के बाद परिणाम तो वही आता है, लकड़ी तो चूल्हे में भी जलती है
और लकड़ी यज्ञ की वेदी में भी जलती है, लेकिन चूल्हे में जलने वाली लकड़ी राख हो जाती है और यज्ञ की वेदी में जलने वाली लकड़ी भभूति हो जाती है। उसे कोई बड़े आदर से धारण करता है, कैसा परिणाम में ये परिवर्तन कि उसने उसने एक गृहस्थ का संग पाया और उसने एक साधु का संग पाया, उसने एक तपस्वी का संग पाया। ये बड़ी विचारणीय बात है कि किसका संग करते। तभी मैंने कहा लाइफ इज नॉट समथिंग हैपनिंग बाय चांस, यूं ही नहीं हुआ कुछ आपके साथ, इसके लिए आपने प्रयास किया होगा, इसके लिए आपने संकल्प किया होगा। और किसका संग करें, ये करने में आपको विशेष अधिकार भगवान ने दिया है, कर्मण्येवाधिकारस्तु, कर्म का अधिकार आपका है। किसको चुनते हैं आप अपने संग में, ये आपका अधिकार है, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता। खाली समय है, आप स्वाध्याय भी कर सकते हैं, आप स्वाध्याय भी कर सकते हैं। मां कहती है कि अब महाराज क्या करें, बालक बैठने ही नहीं देता कथा में, उसको संस्कार दिया होता, और कब दिया होता, जब संस्कार देने का समय था। बालक को संस्कार देने का समय तो गर्भ का काल होता है, जब बालक गर्भ में है तब उसे संस्कार दिया जाता है। तब तो देखती थी सास भी कभी बहू थी, अब बालक संस्कारी कहां से आए। हंसिए मत, पुराण पढ़िए, अपने ऋषि मुनियों की परंपरा का दर्शन करिए। एक 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 माता जब गर्भ धारण करती थी तो वो 9 महीने तप का काल होता था। उस समय जप तप, संयम, साधन, स्वाध्याय, मौन, व्रत, उपवास, तीर्थ, ये सब कराया जाता था उसे। तब एक एक संतान आती थी इस संसार में, कोई सत्पुरुष आता था। तभी मेरा कबीर कहता है जननी जने तो भक्त जन, और कह दाता कह सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवावे नूर। एक एक माता पर तो बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, क्योंकि उसके पास प्रकृति द्वारा प्रदत्त सृजन करने की क्षमता है। एक नया जीवन लेकर आ रही है वो इस संसार में। और भक्त बहुत नहीं होते, पर एक भी पर्याप्त होता है। युग युगांतर तक, कल्प कल्पांतर तक सृष्टि के कल्याण का प्रबंध करके चला जाता है वो। नारद जी भक्ति सूत्र कहते हैं सतरति सतरति स लोकांश तारयति। कभी कोई एक मीरा आती है, कोई एक कबीर आता है, कोई एक नानक जैसा आता है जो अनंत काल तक सृष्टि के कल्याण का प्रबंध करके चला जाता है, अध्यात्म का दीप जला के चला जाता है। आपको आपको अवसर दिया गया है, आपको अधिकार दिया गया है। मैं बेंगलोर में था और संयोग से इट वॉज विमेन्स डे और 3 दिन का सत्र था, तो मुझसे एक माता ने प्रश्न किया, बोले हर युग में स्त्री को ही क्यों रोना पड़ता है, वो त्रेता हो, वो द्वापर हो, वो कली हो, हर युग में स्त्री को ही क्यों सहना पड़ता है, स्त्री को ही क्यों रोना पड़ता है। और बड़ा लंबा प्रश्न था, तो मैंने तो एक पंक्ति में उत्तर दिया। मैंने कहा माता मैं बड़े आदर पूर्वक ये बात कह रहा हूं, क्योंकि जो जो सहने और कहने की बात आपने स्त्रियों के लिए कही, इसमें से कुछ भी पुरुष नहीं कर सकते, ये सामर्थ्य आप ही के पास में है, इसलिए आपको ये कार्य दिया गया है। तितिक्षा, सहनशीलता, क्षमा, दया, ये सब प्रकृति ने आपको दिया है। बस इसी बात को कहना चाह रहा था मैं कि जीवन में जितना प्रमाद और जीवन में जितना जितना दुख और अवसाद है, वो अपने स्वरूप को भूल जाने के कारण है। और साधु संग आपको आपके स्वरूप से परिचित कराता है। सत्संग सुनते सुनते, भगवत कथा सुनते सुनते, प्रथम भक्ति संतन करी संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंग। मैं आपसे एक बात पूछूं, और अगर आप मुझे ईमानदारी से उत्तर दो तो पूछूं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपना जीवन प्रबंधन, अपना लाइफ मैनेजमेंट सोशल मीडिया से प्रभावित होकर करते हैं? ईमानदारी से बताना। ये तो सत्ययुग में आ गए भाई हम, है ना। Nowadays, सोशल मीडिया इज क्राफ्टिंग योर माइंडसेट। कहीं ना कहीं
प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सीधे सीधे उसका परिणाम जीवन में देखने को मिल रहा है। आपका विचार देखिए, आप में परिवर्तन अर्थात आपकी सोच, आपके विचार में परिवर्तन। आप क्या हैं? आप एक विचारधारा हैं। प्रत्येक मनुष्य एक विचारधारा है। उसके विचार में परिवर्तन अर्थात उसके समग्र व्यक्तित्व में परिवर्तन। कैसे बार बार कुछ सुनना आपको उसका विचार करने पर विवश कर देता है। जब आप बार बार कुछ सुनते हैं, मैंने सुना है किसी से, बोले बार बार झूठ भी कहा जाए तो सच लगने लगता है। बिकॉज रिपीटिशन हैज इट्स ओन पावर। बार बार जपने से मंत्र सिद्ध हो जाता है। बार बार रटने से भगवान के नाम में सुख मिलने लगता है, भगवान के नाम में आनंद मिलने लगता है। ऐसे बार बार संसार का जब चिंतन किया जाता है, संसार का जब दर्शन किया जाता है, तो उस भावना का प्रभाव आप पर पड़ता है और जीवन वैसा ही होने लगता है। तो अभी जो मैंने आपसे निवेदन किया कि मन के पास बुद्धि नहीं है, मन के लिए बुद्धि मिली है कि मन को आपको किसका संग कराना है और किसका संग नहीं कराना। और ये अनुशासन जीवन में धर्म लेकर आता है। ये अनुशासन जीवन में धर्म लेकर, धर्म अनुशासन है। और आज जहां से मैंने चर्चा आरंभ की, स्वतंत्रता का मूल अनुशासन है। अनुशासन में आए बिना आप स्वतंत्र नहीं हो सकते। अनुशासन बंधन नहीं है, वो स्वतंत्रता की तैयारी है। वो जन्म जन्म से माया का जो बंधन बंधा है, उससे मुक्त होने के लिए, उससे विनिर्मुक्त होने के लिए अनुशासन एक तैयारी है। और अनुशासन अर्थात गुरुजनों द्वारा दी गई आचार संहिता। इसीलिए मेरे गोस्वामी जी अपनी यात्रा आरंभ करते हैं यहां से, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा बरन रघुबर बिमल जस जो दायक। एक एक पौधा तो सड़क के किनारे भी फलता फूलता है, झाड़ कहते हैं उसे, कोई नहीं देखता। उसकी ओट में जाकर कोई मल त्याग भले कर दे और उसका कोई विशेष उपयोग नहीं होता। और एक पौधा है जो माली की देखरेख में आपकी बगिया में फूलता है, सुंदर फूल आते हैं उस पे, पूजा में काम देते हैं आप उन्हें, पूजा में स्थान देते हैं आप उन्हें। ऐसे ही एक जीवन है जो एक व्यक्ति मनमुख होकर आगे बढ़ता है, और एक जीवन है जो गुरुमुख होकर आगे बढ़ता है, जो गुरु के अनुशासन में, गुरु की आचार संहिता में आगे बढ़ता है। तो धर्म अनुशासन है, अध्यात्म स्वतंत्रता है, धर्म अनुशासन है। और जिस प्रकार स्वतंत्रता का मूल अनुशासन है, अध्यात्म का मूल धर्म है। धर्म रूपी मूल से ही आध्यात्म रूपी फल प्राप्त होता है। तो बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके लिए आपको थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। इसीलिए जब श्री रघुनाथ जी ने शबरी जी को उपदेश दिया नवदा भक्ति का, तो कहा प्रथम भक्ति संतन, फिर से बोलिए प्रथम भक्ति संतन। और ये जो भगवान ने एक शब्द कहा ना, करी संगा, माने जाओ करो, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, जाइए करिए। आज तो मैं देखता हूं सोफा टांग पे टांग चढ़ाए बैठे हैं, हाथ में कॉफी, एक हाथ में रिमोट और संस्कार पे भागवत चल रही है। ऐसे कथा सुन रहे हैं आप, भाई वो हरि की कथा है जो 7 दिन के भीतर भीतर आपको सर्व बंधन से मुक्त करने की सामर्थ्य रखती है, यदि उसके प्रति थोड़ा आदर बुद्धि हो तो। इसीलिए ये भगवान ने ये शब्द प्रयोग किया, संतन करी संगा, जाइए करिए, प्रयास करिए। उसके लिए जीवन में सत्संग का प्रयास हो, जीवन सतपथ पर आए, इसके लिए आवश्यक है जीवन में सत्संग हो। और जीवन में सत्संग हो, इसके लिए आवश्यक है जीवन में सत्संग के लिए प्रयास हो। और सबसे बड़ा प्रयास क्या है? बार बार वर मांगे हूं, हर्ष देहूं श्री रंग पद सरोज
अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। मनुष्य होने के नाते, जीव होने के नाते आप और मैं और क्या पुरुषार्थ कर सकते हैं? प्रार्थना सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। अगर अगर सद्भाव के लिए किया जाए, सद्भाव से किया जाए, तो प्रार्थना सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। जीवन में सत्संग के लिए, सत्संग के लिए लोभ हो, जीवन में सत्संग की इच्छा जगे, क्योंकि यात्रा आरंभ यहीं से होगी। मैं फिर दोहराऊं अपनी बात, जीवन सतपथ पर आएगा सत्संग की कृपा से, और सत्संग जीवन में आएगा प्रयास से। भगवान कह रहे हैं, प्रथम भक्ति संतन करी संगा। और कम से कम इतना तो करिए भाई, आपके नगर में कोई आया है तो चले जाइए। मैं मेरी बात नहीं कर रहा, कभी कोई आए, कभी कोई ऐसा अवसर आए तो उठकर चलकर जाइए। संत मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान। इसकी प्रतीक्षा ना करिए, आपको निमंत्रण मिला के नहीं, सूचना पर्याप्त है सत्संग के लिए, निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। आपको आपको सूचना है पर्याप्त है। मैंने कहा ना, श्रोता कैसा हो हनुमान जी से सीखिए। बिना निमंत्रण के जाते हैं, बिना निमंत्रण के, कोई नहीं बुलाता उन्हें, वो पहुंच जाते हैं। वाष्पवारी परिपूर्ण लोचन, नेत्रों में प्रेमाश्रु रोम रोम पुलकित। और आप तो सबसे आगे आकर बैठते हैं ना, वो ऐसा नहीं करते, वो तो सबसे पीछे स्वयं को दुराकर, स्वयं को छिपाकर ऐसे बैठकर कथा श्रवण करते हैं। तो भगवान ने कहा करी संगा, जाइए करिए, प्रयास करिए, पुरुषार्थ करिए। न मिले सत्संग तो भगवान से प्रार्थना करिए कि प्रभु दीजिए जीवन में ये अवसर, किसी भागवत के मुख से भागवत सुनने का अवसर दीजिए, आपकी कथा का कोई रसिक हो, रस से भरी आपकी कथा सुनाए, ऐसा कोई अवसर मेरे जीवन में लाइए। क्योंकि संत अपने अनुभव से कह गए हैं, धन दारा सुत लक्ष्मी पापी के भी हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। ये प्रयास से नहीं तो प्रसाद है भगवान का। कथा क्या है? भगवान का प्रसाद, जो भगवान अपने हाथ से देते हैं। इसलिए मैं बाहर प्रसाद नहीं बांटने देता। भगवान के हाथ से प्रसाद लेने के बाद फिर और किसी प्रसाद की तरफ मन क्यों जाए, क्या आवश्यकता है? और मैं तो आप लोगों को कहकर भी जाना चाहूंगा कि मेरी दृष्टि में धर्म जो है वो किसी भी समाज का मंदिर होता है। जैसे आपके घर में जो मंदिर होता है, आप वहां पर कोई सांसारिक चेष्टा नहीं करते, आप वहां कोई सांसारिक क्रिया नहीं करते, आप वहां कोई सांसारिक वार्ता भी नहीं करते। नहीं करना चाहिए। जो घर का मंदिर है, अर्थात घर का कोई एक कोना तो ऐसा हो ना जो स्वच्छ हो, पवित्र हो, जहां पर बैठकर आप प्रार्थना करते हो, आप पूजा अर्चना करते हो। ऐसे ही धर्म जो है वो समाज का मंदिर है, वहां पर सांसारिक चर्चा ना हो, वहां पर सांसारिक चेष्टा ना हो, धर्म व्यापार ना बने, धर्म संस्कार देने के लिए है, धर्म व्यापार ना बने। और आप लोग इसमें सहभागी मत बनना, आप लोग इसमें सहभागी मत बनना। क्षमा करना, हम लोग कथा बेचने लगे, पर साथ साथ ये भी मैं कहूंगा, आप खरीदने भी तो लगे। ये व्यापार कभी एक पक्ष से संभव ना हो पाता, किसी ने बेचा और किसी ने खरीदा। अब हम हूं से भक्त कहावे, माला तिलक स्वांग धर, हरि को नाम बेच धन लावे। तो कम से कम इसमें सहभागी मत बनिए, इसमें सम्मिलित मत होइए। कथा करा सके ना करा सके कोई चिंता की बात नहीं है, कर सकते हैं आप। अपने मंदिर में दीपक जलाइए और मानस और भागवत उठाइए, दो चौपाई दो श्लोक पढ़िए, एक ना एक दिन प्रभु कृपा से आपके मन में विचार का संचार हो जाएगा। प्रतीक्षा मत करिए किसी की, सत्कर्म कल पर ना टालिए, आज आरंभ करिए। स्वावलंबी बनिए, स्वावलंबी बनिए। मुझसे बहुत लोग शिकायत करते, बोले ऐसी बात क्यों कहते हैं आप, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूं कि भूखे को दो रोटी देना आसान है,
अच्छा भी है, पर भूखे को दो रोटी कमाने लायक बना देना ये सबसे उत्तम है, कि उसे फिर आपकी आवश्यकता ना पड़े। अभी मैं वृंदावन में था, एक संत ने मुझे बहुत सुंदर बात कही। उसने कहा हमारा सत्संग जीवन में एक ही बार होता है, बार बार नहीं, बार बार की आवश्यकता नहीं पड़ती। साधु का संग तो जीवन में एक बार हो जाए तो पर्याप्त है। एक बार मिले परीक्षित और श्री सुखदेव जी, भवभंजन हो गया परीक्षित का, भगवान के धाम में पहुंच गए परीक्षित बिना प्रयास। इसीलिए मेरे तुलसी बाबा कहते हैं, पुण्य पुंज बिन मिलहि के संता, बिनु प्रयास संस्रिति कर अंता। बिनु प्रयास संस्रिति कर अंता। संत तो एक बार मिले जीवन में पर्याप्त है। हाँ, भगवत चर्चा होती रहे, पर सत्संग एक ही बार होता है। मुझे बड़ी अच्छी लगी उनकी बात। उन्होंने कहा जैसे महाराज इंसान किसी से दुनिया में एक बार मोहब्बत करता है, प्रेम एक ही बार होता है, प्रेम की चर्चा जीवन भर होती रहती है, पर प्रेम एक ही बार होता है, ऐसे ही सत्संग एक ही बार होता है, एक बार। और भगवान कहते एक बार यदि ठीक से हो जाए, दूजी रति मम कथा प्रसंग। और साधु का संग ऐसा हो, साधु कुछ 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 ऐसी सुवास छोड़ जाए आपके जीवन में, आपको भगवान प्रिय लगने लगे, राम कृष्ण का नाम आपकी जिह्वा पर आने लगे, आपके मन में स्वाध्याय की इच्छा जग जाए, जीवन में थोड़े एकांत के क्षण आ जाए। तो व्यासपीठ निवेदन कर रही थी कि जीवन में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो संग है, सत्संग कुसंग। सांस आती है जाती है, आपने संसार का चिंतन किया कुसंग हुआ, आप गुनगुनाते रहे गाते रहे, मुकुंद माधव गोविंद वो केशव माधव हरि हरि। मुझसे जब कोई पूछता है ना, बोले महाराज भजन करना चाहते हैं पर परिस्थिति नहीं है, कैसे करें, कि आज भी किसी ने लिखकर भेजा यहां कि भजन करना है पर परिस्थिति कैसी है, मैं भाई बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता ये बात। संसार को कभी भी मन की आवश्यकता नहीं है, सीधी सी बात है। आपके पास तन है और मन है, धन को तो हम बाहर ही रखते हैं, आपके पास तन है मन है, तन की आवश्यकता भगवान को नहीं है और मन तक संसार की पहुंच नहीं है। एक शायर बड़ी खूब बात कहता है, उसी को आता है मजा जीने का इस जमाने में, इधर का लगता रहे उधर का हो जाए, तन दिए रहिए संसार में, मन का पुष्प नित्य प्रति उठकर भगवान के चरणों में निवेदन करिए और हो गया भजन। भगवान को तन नहीं चाहिए, ये हार्ड मास का पिंड भगवान के निकट जा भी नहीं सकता। भगवान को तन की आवश्यकता नहीं है और मन तक संसार की पहुंच नहीं है, मन तक संसार नहीं जा सकता। इसीलिए अपने मन को झूठा प्रलोभन न दीजिए, अपने मन को इस प्रकार दुर्बल ना बनाइए कि आप करना चाहते हैं और आप नहीं कर पाते। जो भजन करना चाहता है वो कहां भजन करता है, हनुमान जी देखकर आश्चर्यचकित हो गए, लंका निसिचर निकर निवासा इहां कहां सज्जन करिवासा। चकित हो गए हनुमान जी विभीषण जी की कुटिया देखकर, तुलसी का थावला, भीतर से स्वर आ रहा है, भज श्री राम भज श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, भज श्री राम भज श्री राम श्री राम जय राम। जैसे जब
कथा में कृष्ण जन्मोत्सव होता है तो आप और मैं सब उत्सव मनाते हैं ना। पंडित लोग कहते हैं रुक्मिणी विवाह मनाएंगे, कृष्ण जन्मोत्सव मनाएंगे। ऐसे ही मैं तो जब कथा में कोई भक्त भगवान के नाम का कीर्तन कर रहा होता है ना, तो मैं समझता हूं बड़ा अच्छा अवसर है। मेरा स्वर तो प्रभु के कान तक पहुंचे नहीं पहुंचे, इसके स्वर में अपना स्वर मिला दो, आज नहीं तो कल दीनदयाल के कान में भनक पड़ी जाएगी। तो विभीषण जी कीर्तन कर रहे हैं, आइए लगे हाथ आप और मैं भी दो क्षण के लिए उच्चारण कर लेते हैं भगवान का नाम। भज श्री राम, भज श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भज श्री सब कही प्रेम से, भज श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भज श्री राम, भज श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भज श्री राम, भज श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भज श्री राम, भज श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भज श्री राम, भज श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भज श्री राम, भज श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय। भज श्री राम, भज श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। इतनी प्रतिकूल परिस्थिति, तामस तन, बड़ो कुसंग शरीर निज, वो आसुरी देह, इससे बड़ा कुसंग और क्या होगा। जो तन है वही भजन के अनुकूल और अनुरूप नहीं है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी भजन कर रहे हैं। सीधी सी बात है, आप इसीलिए मैंने कहा कि लक्ष्य से महत्वपूर्ण है लक्ष्य का निर्धारण, लक्ष्य के निर्धारण से महत्वपूर्ण है उसके तक जाने के लिए सही मार्ग। उसी प्रकार भजन से महत्वपूर्ण है भजन की इच्छा। Where there is a will, there is a way, definitely. जहां चाह होती है वहां राह होती। तो ये जो संतन करी संगा भगवान ने कहा, ये किस लिए है कि भजन की जो चाह भीतर कहीं खो गई है, उस चाह को पुनः पुनः खोज लिया जाए, पुनः पा लिया जाए, भजन करने की इच्छा जग जाए। और आप भले कहते हो आज बड़ा स्वादिष्ट भोजन बना, पर मुझे ये बात ठीक नहीं लगती। भोजन कभी स्वाद नहीं होता, स्वाद भूख में होता है। पेट भर जाने के बाद वही वस्तु अच्छी नहीं लगती, पेट भर जाने के बाद वही सरस वस्तु आपको देखने का भी मन नहीं होगा। अर्थात उस वस्तु में सुख नहीं है, उस वस्तु में स्वाद नहीं है, स्वाद आपकी भूख में है। ठीक उसी प्रकार एक राम नाम है आप और मैं ले रहे थे, और कुछ लोग समझते हैं कीर्तन हो रहा है चलो अब निकल लो, ऐसे भी होता है ना। खैर मुझ पर तो भगवान की कृपा है कि मुझे तो आज तक बड़े अच्छे श्रोता मिले हैं, पर इक्का दुक्का कोई होता है भूला भटका आ जाता है यहां, उसी को देख कर कह रहा हूं। मैंने कीर्तन हुआ बोले चलो अब निकलो, एक वो है। और एक हरिनाम उच्चारण होता है तो उसका देहाध्यास समाप्त होने लगता है। वो कहता है इतना सुख और किसी में नहीं जितना सुख कृष्ण के नाम में है। वो कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कहते कहते देह की सुदबुद खो देता है। मीरा कहती है गाया गाया हरिगुण गाया काल ब्याल सो बाची माई सांवरे रंगराची। तो भजन का जो सुख है वो भजन की इच्छा में है। और सत्संग क्या करता है, इस प्रकार किसी संत के मुख से भगवान का यश श्रवण करना, भगवान का गुण श्रवण करना, ये जो भीतर एक और बात निवेदन करके मैं धीरे धीरे वाणी को विराम की ओर ले जाऊं कि भजन की इच्छा, भजन अर्थात परम सुख, और उस परम सुख की इच्छा आपके मेरे सभी के भीतर है। मैंने कहा उस खोई हुई इच्छा को पुनः पुनः पा लिया जाए, उस सोई हुई इच्छा को पुनः जगा दिया जाए।
और मुझे नहीं लगता कि भगवान के कहने के पश्चात, भगवान के स्पष्ट मार्ग निर्देशन कर देने के बाद आपको और मुझे कोई अन्यथा विचार करना चाहिए। बड़ा सुंदर, बड़ा प्रेरक, बड़ा मार्मिक प्रसंग है शबरी से भगवान को, भगवान का श्री नवदा भक्ति का ये सुंदर भाव उद्घाटित करना बड़ी अद्भुत सुंदर चर्चा है। इस चर्चा में भक्त, भक्ति, भगवान तीनों सम्मिलित हो जाते हैं। व्यासपीठ की प्रेरणा से यही भाव मेरे मन में आया कि आने वाले दो दिनों में इसी नवदा भक्ति की चर्चा करते करते भक्त और भगवान के सुंदर मधुर चरित्र का चिंतन करते रहेंगे। आज की चर्चा यहीं श्री युगल सरकार जी के श्री चरणों में निवेदन करते हुए, आचार्य की कृपा कटाक्ष का स्मरण करते हुए, आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को प्रणाम करता हूँ।